सिविल अस्पताल फिरोजपुर में एस एम ओ की तैनाती लै के अते सिविल अस्पताल के चार वेंटीलेटर प्राइवेट हस्पतालों देने के विरुद्ध आम आदमी पार्टी के सूबा बुलारे मनजिंदर सिंह भुल्लर की अगवाई में भुख हड़ताल शुरू की गई। प्रेस में जानकारी देंदे एडवोकेट मनजिंदर सिंह भुल्लर ने दसिया कि लड़ीवार भुख हड़ताल उन्नी देर जारी रहेगी जब तक सिविल अस्पताल में एस एम ओ की तैनाती नहीं होंगी और वेंटीलेटर वापस नहीं मंगवाए जाते। एडवोकेट ने दसिया कि 27/4/2021 सेहत मंत्री पंजाब ने जिला हुशियारपुर अमृतसर फतेहगढ़ साहब विखे लोड़ीदे डॉक्टर की तैनाती की थी पर फिरोजपुर के सिविल अस्पताल को नज़रअंदाज कर दिया गया। इस मौके मनजिंदर सिंह भुल्लर ने फिरोजपुर के MP और जिले के कैबिनेट मंत्री से भी सवाल उठाए कि विश्वव्यापी मारू महामारी में डॉक्टर की भर्ती लिए कोई तरादद नहीं किया गया। DC फिरोजपुर से वरदा एडवोकेट भुल्लर ने कहा कि योजे अफसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए है जो सरकारी मशीनरी प्राइवेट अदारे सौंप रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हस्पताल में SMO की तैनाती वेंटीलेटर वापस नहीं आ जाते उद तक उन्होंने ये भुख हड़ताल जारी रहेगी। बेसिकली देखो एक पास तो जी सैकेंड स्ट्रेन है दूजा फेज करोना का इन्ना खतरनाक है कि हर बंदे नूं अपनी जान दे लाले पै रहे और पंजाब सरकार दिखावे खातर इन्हें दमकजे मार रही है। पिछले शहर से तुसीं देखा होने कि गाइडलाइनस के भी उल्ट जाके किराने दी दुकाना भी धक्के नाल जबरन खोल बंद कर पर जिहड़ी सरकार की ड्यूटी है उत्थे देर इज़ अ बिग फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। साढ़े फिरोजपुर पिछले 17 दिनों तो SMO है नहीं गा सीनियर मैडिकल ऑफिसर जिहड़ा चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुंदा है सिविल अस्पताल नूं रन करन वास्ते और नंबर ऑफ टाइम्स जिहड़ा हैगा लिख के भेजा जा चुका अखीर हार के सानू जिहड़ा हैगा ये फाइनल स्टैप लैना पिया कि जिन्नी देर तक SMO की रैगूलर तैनाती नहीं होंगी सिविल हॉस्पिटल फिरोजपुर यह लड़ीवार भुख हड़ताल जारी रहेगी। ये हुण सरकार ते आ एक मिनट का काम आ सरकार का सेहत मंत्री चिट्ठी जारी करके तो ऑर्डर कर देन और नाल सख्त हदायत करन कि SMO साहब यू आर सपोज टू ज्वाइन अर्ली मॉर्निंग बाय टुमारो कल 4 तारीख में ज्वाइन कर लैन असं अपना भुख हड़ताल विड्रॉ कर लाँगे। और दूसरा इशू इतने 7 वेंटीलेटर सके पहला तो सुख नाल एक या दो ही सी पिछली बार 22 मार्च में जो कोविड बहुत ज़्यादा फैल गया तो सुखबीर सिंह बादल ने कुछ डोनेट किए एक दो इन्होंने एक तैयारी पंड च लिया वो 7 वेंटीलेटर के 4 वेंटीलेटर ये इतिहासिक मिसाली काम किया साडे डिप्टी कमिश्नर साहब ने प्राइवेट हॉस्पिटल में देते और बहाना कि लाया कि साढ़े को ओपरेटर नहीं है वी डोंट हैव एन एक्सपीरियंसड मैन टू ओपरेट दीज वेंटीलेटर। यदा मतलब यह है कि कल बाकी समान भी चुका देंगे प्राइवेट बंद एंबूलेंस किसी स्कूल वाले दे देंगे भी साढ़े को ड्राइवर है नहीं गा तुम इस न्याणे ढो लिया करो। तो दूजी साड़ी डिमांड यह है कि वो वेंटीलेटर जोड़े आमीडिएटली सरकारी मशीनरी जी सरकारी अस्पताल में दी जाए जो प्राइवेट हॉस्पिटल कोई पेशेंट है कि जिन्होंने वेंटीलेटर की लड़ है उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल देखा जाए तो भुल्लर साहब एक पास तो कैप्टन सरकार वालों सेहत सहूलतों को लैके व्डे व्डे दावे किए जा रहे फिर उन्होंने दावे कैसे देखते वो दावे है ना जी दावे की फूक थां थां निकली हुई है साडे सामने तुसीं चलो वेंटीलेटर वाला इशू तो सैकेंडरी है SMO भर्ती करन ते किड्डा जोर लगना सरकार का मतलब इन्हां दी नीति ते जिहड़ी नीयत ओह इत्थों पता लग जांदी है भी सिर्फ अपॉइंटमेंट करनी एक लाइन का सिग्नेचर ऑर्डर कढ़ना है कि फलां डॉक्टर साहब नूं SMO फिरोजपुर तैनात किया जाता तो उन्होंने हदायत की जाती है कि इमीडिएटली जाके ज्वाइन करो तो इन्ना भी इन्हों तो नहीं हो रहा। और तुसीं एंबूलेंस का भी हाल देखो फिरोजपुर सिविल अस्पताल जी का जाके करोना वार्ड देखो जाके और 22 मार्च 2020 असी जिस दिन लॉकडाउन लगता वह सिविल हॉस्पिटल गए थे करोना वार्ड के उपर तुम देखो जो एग्जॉस्ट फैन होंगे वो अज भी है नहीं एक साल बीत गया और उत्थे जाके उस दिन भी असी इन्हों सारा चेतावनी दी सी कि आज इन्हों ठीक कर लो बट दे हैव डन नथिंग। तो अगर असी प्राइवेट हूँ किसी बंद जिमें आम पिंडा च लोगों का एक होंगे कि यार 3-3 लाख तनखा लेंदे करते कुछ नहीं वो इंडिविजुअल अटैक हो जाता वो जे कोई क्वालीफाइड बंदा सरकार ने भर्ती किया एज पर नॉर्म्स ही सपोज टू गेट द सैलरी पर जे तनखा मिल रही है तो घट्टो घट्ट जो सरकार कुछ नहीं करती तो डॉक्टर भी थोड़ा जहा मतलब सब तो ह्यूमेन जिहड़ा प्रोफेशन आ वो डॉक्टर आप कहने रब तो बाद डॉक्टर ही आ सके उन्होंने भी थोड़ा जहा ध्यान देना चाहिए आने वाले समय से रणनीति नहीं मिली जिन्नी देर तक इतने SMO नहीं आता और वेंटीलेटर वापस नहीं होंगे इसे जगह के उत्ते मिलेंगे जिन्ना मर्जी समा लगे। मैडम अच्छ का जो धरना लगाया गया किस संबंध धरना जो हस्पताल जब वेंटीलेटर कोई इंतजाम नहीं होती सिविल हस्पताल की कारण की कारण वेंटीलेटर है कारण यही है कि जो पेशेंट आते हैं तो उन्होंने कोई इंतजाम नहीं पंजाब सरकार के दावे कि देखते हो एक पास का दावे किया जा रहा है कि लोगों को सेहत सहूलत जोड़िया मुहैया करवाइया जा दूसरे पास जो वेंटीलेटर है वो प्राइवेट हॉस्पिटलों दिए जा रहे उन्होंने दावे कि देखते हैं जी और दावे अपने सारे नहीं पता मतलब जो कैप्टन सरकार ने दावे किए हैं उन्होंने किन्ने पूरे हुए कोई होया तो दस दो
ठीक है जी, कैप्टन सरकार ने नशे वास्ते सहूलत दी है, हम तो मैं नहीं लगता कोई सहूलत दी कैप्टन सरकार, कैप्टन सरकार चीज से बिल्कुल फेल जा रही है। मोदी भी थोड़ा पता अपन, मोदी बिल्कुल फेल जा रहा है, जिन्हें स्टेटा इलेक्शन हो मोदी बिहार मोदी पंजाब से ही जाने, ये नहीं है पंजाब से लगे असं भी मांग करते जो इन्होंने वादे किए पूरे किए जाए। अज जरा ला रहे हो धरना जरा भुख हड़ताल की किस गल लैके? मेरा नाम जी तजिंदर सिंह, मैं द फिरोजपुर पेरेंट्स वेलफेयर सोसायटी वालों वाइस प्रेजिडेंट हाँ जी। साड़ी संस्था वालों सरदार मनजिंदर सिंह ढिल्लों को पूरा समर्थन है जी। असं अज फिरोजपुर में सिविल हस्पताल के मकसद से बैठे हैं जी, जो कि सरकारी वेंटीलेटर हस्पताल में दिए गए थे 7 वेंटीलेटर 10 लाख 70 लाख से बनते हैं जी, जो कि प्राइवेट सिस्टम ने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके नहीं दिए जी। गरीब जनता का पहले नहीं इलाज करवा सकती जी, तो प्राइवेट जाए कि इलाज करवाऊगी? साड़ी इतने यही मंग है जी, वो प्राइवेट जो वेंटीलेटर सरकारी प्राइवेट लिया, सरकारी लिया जाए, इसको ना साड़ी तैनाती की जाए, नहीं तो लगातार 24 घंटे भुख हड़ताल से बैठा जिन्हें चेर कोई मसले हल नहीं। अपना जोड़ा किया जा रहा है, मतलब संगठन सारे का समर्थन मिल रहा है जी? हाँ जी, समर्थन जिमें कि साढ़े सिंधा साहबान ने कहा समर्थन सानू सारे का ही, जो कोविड का चक्कर ना होंगे तो इतने 500 से 1000 बंदा होंगे, पर अभी सरकार जो गाइडलाइन ने उन्होंने मुताबिक ही चल रहे हैं जी, उस तो बाहर नहीं चल रहे। ये वेंटीलेटर वैसे दस सौ कितने गए प्राइवेट? ये जी वेंटीलेटर आप शहर में एक नामी हॉस्पिटल है, बागी हॉस्पिटल है, जो कि डीसी साहब ने उन्होंने देते भी ता दसिया भी इतने चलाने लिए ऑपरेटर है नहीं गा, तो पहला तो शर्म होनी चाहिए 10 से 15 हज़ार से कोई भी एक बंदा इन्हों मिल सकता चलाने वास्ते, जे वो भी इन्हों को पैसे नहीं है साड़ी संस्था पे करूगी ये वेंटीलेटर वापस ले लैन जिनी तनखा 10 से 15-20 महीने साड़ी संस्था। अवाज़ कॉम टीवी फिरोजपुर तो पत्रकार गुरप्रीत सिंह भुल्लर की रिपोर्ट।